मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ग्वालियर जिले में भी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल रवाना चुनाव सामग्री लेकर हो गया है। जिले में 263 ग्राम पंचायत है, जिनमें 100 जनपद सदस्य और 13 जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होना है। मतदान दल को पोलिंग पर भेजे जाने के लिए किया गया 200 बसों का अधिग्रहण। इसके बीच ग्वालियर ग्रामीण इलाकों में खटिया गांव और मोहना में शांतिपूर्ण मतदान करना मतदान दल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर डकैतों का मूवमेंट है। टीम भारती न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गुर्जर है। ड्यूटी हमारी घाटी गांव ब्लॉक में मल्ला शासकीय प्राथमिक विद्यालय बिठौली में। मेरे साथ मैं पीटा सिंह प्लस 4 और हैं मतदान अधिकारी 1, 2, 3, 4। यहाँ सारा सामान मिल गया है हमको। अब हम बस का इंतजार कर रहे हैं, सारा सामान मिला लिया है हमने। अब बस में बैठने, जैसे बस में सारे लोग बैठ जाएंगे उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। अभी पुलिस फोर्स घूम रहा है, जैसे ही वो गाड़ी में बैठ जाएंगे। अभी मेरे को पुलिस फोर्स नहीं मिला है, जैसे ही पुलिस फोर्स मिल जाएगा उसके बाद गाड़ी में बैठना होगा और रवानगी होगी। कितने समय से मतदान शुरू हो जाएगा? कल सुबह 7 बजे से है मतदान, 3 बजे तक है। अब बताएं। हाँ, प्रोफेसर करमवीर आर्य, अटल बिहारी IIIM में प्रोफेसर हूँ और हमारी ड्यूटी पीटा सिंह में लगी है और मेरे साथ में 4 पोलिंग ऑफिसर हैं, P1, P2, P3, P4 और मुरार जनपद के टिकटोली प्राथमिक शासकीय विद्यालय में हमारा पोलिंग केंद्र है। क्या क्या सामान वितरित? यहाँ से मत पेटी, फिर पीटा सिंह की डायरी, और बहुत सारे फॉर्मेट हैं, उनकी एक डायरी प्रपत्र हैं, मतदाता सूची और मतपत्र मिले हैं, और सैनिटाइजेशन का सामान भी मिला है। हाँ, पुलिस फोर्स हमारी बस में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हो सके वो हमारे पोलिंग के भी कुछ लोग उसमें हो सकते हैं। कोविड को देखते हुए कुछ इस तरह? हाँ, कोविड को देख करके सैनिटाइजर की बोतल दी गई है, ग्लव्स दिए गए हैं और फेस शील्ड दी गई है, ये सारी चीजें उसमें हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।